नमस्कार दोस्तों, CGTF अर्नव YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। द 100 मेंस कंपटीशन का 22वां द 100 मैच वेल्श और सदर्न ब्रेव के बीच दिनांक द 22nd of August 2022 at 11:30 PM को सोफिया गार्डन्स कार्डिफ पर खेला जाने वाला है। वेल्श फायर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत के लिए तरस रही हैं। वैसे तो वेल्श फायर इस प्रतियोगिता के नॉकआउट राउंड से बाहर हो चुकी हैं। वेल्श फायर के सलामी बल्लेबाज टॉम बेंटन और जो क्लार्क ने 4 मैचों में सिर्फ 115 रन ही बनाए हैं। सदर्न ब्रेव ने पिछले सत्र में वेल्श फायर को 9 विकेट से आसानी से हराया था और इससे भी उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। 100% शो टुडे वेल्श और सदर्न ब्रेव की क्रिकेट मैच प्रेडिक्शन। दोस्तों, हमारी लगातार टॉस प्रेडिक्शन, मैच भविष्यवाणी, पावर प्ले स्कोर, रन पहली पारी में कितने रन बनेंगे, बैक टू बैक पास होती जा रही है। हमारी मैच भविष्यवाणी जानने के लिए हमारे टेलीग्राम लिंक से कनेक्ट होना है। वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर वेल्श पहले बल्लेबाजी करेगी तो मैदान की पिच और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए 25 बॉल्स ओवर पावर प्ले में 30-37 के बीच में स्कोर वेल्श की टीम बना सकती है। वहीं अगर सदर्न ब्रेव पहले बल्लेबाजी करेगी तो 100 बॉल्स ओवर पहली पारी लंबी पारी में 127-163 के बीच में सदर्न ब्रेव स्कोर बनाएगी। आज के इस द 100 मैच में पहली पारी के 25 बॉल्स ओवर पावर प्ले में रन नहीं बनेंगे, सेशन नॉट जाएगा, पावर प्ले सेशन नॉट जा सकता है। दोस्तों, आने वाले सभी क्रिकेट मैच प्रेडिक्शन के सभी वीडियो के बारे में आपको तुरंत पता चल जाए उसके लिए आप अभी हमारे CBTF अर्नव YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोनों टीमों के पुराने रिकॉर्ड और आज की फॉर्म के अनुसार इस मैच में वेल्श के 40% जीतने के चांस है, वहीं सदर्न ब्रेव द्वारा इस मैच में 60% जीतने की उम्मीद है। इस मैच में टॉस कौन जीतेगा? हमारी 100% मैच भविष्यवाणी के अनुसार इस मैच में टॉस प्रेडिक्शन टॉस वेल्श जीतेगी। इस मैच में टॉस वेल्श जीतेगी। टुडे मैच टॉस प्रेडिक्शन इज वेल्श। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको तुरंत रिप्लाई करेगी। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर कि टुडे क्रिकेट मैच प्रेडिक्शन, आखिर आज का मैच जीतेगा कौन। उससे पहले हम दोनों टीमों के संभावित खेलने वाले 11 खिलाड़ियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वेल्श की ओर से खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची इस प्रकार हो सकती है: जोश कॉब, सी जो क्लार्क, वीक टॉम बैंटन, सैम हेन, बेन डकेट, डेविड मिला, ड्वेन प्रिटोरियस, मैथ्यू क्रिचली, एडम जंपा, डेविड पेन, जेक बॉल। जोश कॉब की टीम के लिए यह प्रतियोगिता काफी बुरी रही है। टीम ने अपने सभी मैच गंवा दिए हैं। पिछले मैच में भी मैनचेस्टर ओरिजिनल्स से 47 रन से हार गए। जोश की टीम पुरानी असफलताओं को भूलकर इस मैच में जीतना चाहेगी। टॉम बैंटन और जो क्लार्क सभी मैचों में अब तक असफल रहे हैं। बेन डकेट, सैम हेन और डेविड मिलर को अच्छा खेलने की जरूरत है। डेविड पाइने और जैक बॉल नई गेंद का इस्तेमाल करने में नाकाम रहे हैं और इस मैच में उनसे काफी उम्मीदें रहेगी। सदर्न ब्रेव की ओर से खेलने वाले खिलाड़ियों की सूची इस प्रकार हो सकती है: जेम्स विंस, सी क्विंटन द कक, वीक एलेक्स डेवीज, मार्कस स्टोनिस, रॉस वाइटली, टिम डेविड, जेम्स फुला, जॉर्ज गाटॉन, डैनियल मोरियाटी, जेक लिंटेट, माइकल होगन। इस सीजन में जेम्स विंस की टीम ने 5 में सिर्फ 1 मैच ही जीत लिया है। वो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के खिलाफ भी 68 रन से हार गई थी। पिछले साल की चैंपियन टीम नॉकआउट में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो गए हैं। जेम्स विंस और क्विंटन डी कॉक अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, दोनों को ही इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। उनके पास एलेक्स डेविस, टिम डेविड और मार्कस स्टोइनिस के साथ एक मजबूत मध्य क्रम है। माइकल होगन और गाटन ने ज्यादातर मैचों में काफी रन खर्च किए हैं। जेम्स फुलर और जैक लिंटॉट को भी इस मैच में बेहतर गेंदबाजी करनी होगी। टुडे मैच प्रेडिक्शन रिपोर्ट्स इज सदर्न ब्रेव विन द मैच। सदर्न ब्रेव यह मैच जीतेगी। आप अधिक जानकारी के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दें। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ।